आ, एक बार इसको देख लेते हैं तो हमारे पास स्ट्रिंग क्या दे रखी थी ए ए बी सी राइट ए ए बी एन सी ठीक है तो अभी सिर्फ आई क्वेश्चन जीरो पे कंसिडर करो तुम ठीक है आ, जब आई, आई को जीरो का आंसर निकालना है तो देखो इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में सिर्फ ए स्ट्रिंग में हमारे पास फर्स्ट मतलब सिर्फ ये स्ट्रिंग है राइट right? देखो तो फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर कौन सा है सिर्फ ए है और वो रिपीट भी नहीं हो रहा है राइट सो दैट इज अर फर्स्ट नॉन रिपीटिंग तो हमारे लिए आंसर ए हो जाएगा अब हमारे पास स्ट्रिंग क्या है ए ए ए करेक्ट ए ए तो हमारे पास ऑल कैरेक्टर्स कितने कैरेक्टर्स ए और इसकी फ्रीक्वेंसी टू है राइट right? तो ऐसा कोई भी कैरेक्टर नहीं है जो नॉन रिपीटिंग है तो फर्स्ट का तो बात ही छोड़ दो तो कोई कैरेक्टर नहीं है तो यहाँ पे हैश डाल दो सिमिलरली पर ए ए बी अब देखो ए जो है वो नॉन रिपीटिंग तो डेफिनेटली नहीं क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी टू है अब बी जो है वो नॉन रिपीटिंग है और ये एक ऐसा पहला कैरेक्टर है स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो मेनकाउंटर हो जिसकी फ्रीक्वेंसी वन हो एंड दैट इज दैट इज वी कैन से दैट बी इज नॉन रिपीटिंग इन दिस स्ट्रिंग ए ए बी तो हम यहाँ पे बी लिख देंगे देन अगेन ए ए बी सी अब इसमें आप देखो ए डेफिनेटली नॉन रिपीटिंग नहीं है बी और सी दोनों नॉन रिपीटिंग है बट पहले कौन आ रहा है पहले हमारे पास बी आ रहा, रहा है राइट तो हम फिर से कह देंगे ए हैश यहाँ पे बी तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा ए हैश बी बी राइट आई होप आपको ड्रैगन इटली समझ में आ गया हो कि इनपुट आउटपुट कैसे आ रहा है आप दूसरे के लिए टेस्ट करके देख लेना सेम बात है ठीक है तो अब हम वापस से बात करते हैं कि हमने इस क्वेश्चन को ड्रायन करने में क्या क्या चीज की यूज किया वट वी यूज वी यूज कि हाउ वी कैन फाइंड द फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग राइट नॉट इन अ स्ट्रिंग बट इन अ स्ट्रिंग तो कैन वी फाइंड द फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर इन स्ट्रिंग हाँ कर सकते हैं उसका तरीका क्या है यार से हमारे राइट ए ए बी है तो हम क्या करें एक मैप बना ठीक है एक एक लेन ट्रैवर्सल यूज कर लेंगे मैप बना के सबको पुश कर लेंगे तो ए की फ्रीक्वेंसी क्या है टू बी की फ्रीक्वेंसी क्या है वन करेक्ट एक सी भी ले लो यार सी की फ्रीक्वेंसी क्या है वन राइट अब हम एक प्लस प्लस ओ ऑफ एन एक और यूज करेंगे जिसमें हम इस स्ट्रिंग में ट्रैवर्स करेंगे और हम चेक करते जाएंगे कि किस जैसे ए है राइट इसकी फ्रीक्वेंसी टू है तो हम इसको लेंगे नहीं है हमारा फर्स्ट नॉन रिपीटिंग नहीं हो सकता फिर आया ए फिर टू है तो हम नहीं लेंगे हैश मैप में में वन ये सब चेक कर लेंगे ठीक है फिर बी आया हमारे पास हम देंगे जैसे ही हमें ट्रैवर्सल किया स्ट्रिंग में और कोई ऐसा पहला कैरेक्टर मिल जाए जिसकी फ्रीक्वेंसी वन है तो दैट इज योर फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर इन दैट पर्टिकुलर स्ट्रिंग ठीक है इस पर्टिकुलर अप्रोच के लिए टू जस्ट फाइंड द फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर इन योर स्ट्रिंग हमारी टाइम स्टी क्या हो गई ओ ऑफ एन प्लस इन दैट इज टू एन ओ ऑफ एन हो गया हमारा सिर्फ हर एक स्ट्रिंग में फर्स्ट नॉन रिपीटिंग निकालने के लिए बट हमें पर्टिकुलर क्वेश्चन में फर्स्ट नॉन पहले के दो कैक्टर्स राइट तो दैट मीनस हमें इसको कितनी बार रन करना पड़ेगा हमें इसको एंड टाइम्स रन करना पड़ेगा राइट right? और ओ ऑफ एन हम यूज कर रहे हैं टू एक्सट्रैक्ट फर्स्ट नॉन रिपीटिंग इन पर्टिकुलर स्ट्रिंग इस अप्रोच की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी ओ ऑफेन बिकॉज हमें सारे

Merit. अगर आप देखो ए ए बी सी में राइट right? तो हमें क्या चाहिए कि हमें फर्स्ट नॉन रिपीटिंग चाहिए हमको बाकी से मतलब नहीं है लाइक like, जब हम लेफ्ट से स्टार्ट करना शुरू किए राइट right? तो हमें जो पहला मिल गया वही है बाकी से में मतलब नहीं है राइट right? जैसे यहाँ बी पे है बी के बाद कुछ भी सी डी एफ जिस लिखा हमसे कोई मतलब नहीं है करेक्ट तो हम क्या करेंगे तो मतलब हमें सिर्फ फर्स्ट चाहिए राइट right? और फर्स्ट चीज को एक्सेस करने के लिए हम कौन सा स्ट्रक्चर यूज करते हैं वी ऑलवेज यूज इट क्यू राइट तो क्या हम क्यू के डायरेक्शन में कुछ सोच सकते हैं हाँ सोच सकते हैं फ्रीक्वेंसी तो हमें मेंटेन करनी पड़ेगी उसका कोई उपाय नहीं है वो रो रखना ही पड़ेगा हमें तो हम क्या कर लेते हैं ओ ऑफ ट्वेंटी सिक्स एक एरे यूज कर लेते हैं राइट जीरो से लेकर ट्वेंटी सिक्स तक जो एस का वैल्यूज के साथ कंपेयर हो सकता है ठीक है अब वो ये जीरो जो क्या है ये एक्चुअली में ए को रिप्रेजेंट करी ट्वेंटी सिक्स क्या है वो जेड को रिप्रेजेंट करेगा ठीक है तो हम क्या करेंगे कि हमेशा एक फॉर लूप इस्तेमाल कर लेंगे और इसकी फ्रीक्वेंसी प्लस करते जाएंगे राइट तो फॉर आई टू जीरो पे क्या होगा कि ए की फ्रीक्वेंसी क्या है यहाँ पे एक तो हमारे पास ये हो गया ये एरे 26, 0, 1 एंड 2 ये रिप्रेजेंट करता है ए बी एंड सी ए की फ्रीक्वेंसी वन है हम एक क्यू भी साथ में रखेंगे राइट और एक क्यू में हम ए को पुश कर देंगे ठीक है मैं चेक क्या करूंगा मैं चेक ये करूंगा कि जब ये दो टास्क कर दिए फॉर ईच एंड एवरी कैरेक्टर ये दो टास्क करने ही करने हैं लास्ट में चेक करूंगा कि अब मैंने मैं जो क्यू का जो पहला एलिमेंट क्योंकि मेरे को पहले एलिमेंट से ही मतलब है राइट क्योंकि हमें फर्स्ट नॉन रिपीटिंग चाहिए तो ए को मैं चेक करूंगा और इसकी फ्रीक्वेंसी में चेक करूंगा इस एरे से अगर इसकी फ्रीक्वेंसी वन है तो वेल गुड यही हमारा फर्स्ट नॉन नॉनपिंग कैरेक्टर है और यहाँ पे मैं एक आंसर स्ट्रिंग मेंटेन कर लूंगा और उसमें मैं ए ऐड कर दूंगा राइट सो फॉर जीरो पर हम क्या लिखेंगे अगेन पहला इंडेक्स ए और दूसरा इंडेक्स बी सी दूसरा और तीसरा बी सी रिप्रेजेंट करता है कैरेक्टर क्या है यहाँ पे आ, हमारे पास स्ट्रिंग था ए ए बी एन सी राइट मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ तो आई इक्वल टू वन पे हम किस कैरेक्टर की बात कर रहे हैं ए ए की की अगेन तो फ्रीक्वेंसी पे हो जाएगी और मैं क्यू में अगेन करंट कैरेक्टर को पुश कर दूंगा अगेन मैं चेक करूंगा कि पीक पे जो एलिमेंट है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है टू मैं बोलूंगा नहीं यार ये फर्स्ट नॉन रिपीटिंग तो नहीं है क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी ही टू है तो मैं इसको बाहर निकाल दूंगा क्यू से अगेन जो बचा कैरेक्टर मैं उसमें चेक करूंगा ए फिर से है राइट इसकी फ्रीक्वेंसी टू मैं इसको ही बाहर निकाल दूंगा मतलब क्यू हमारा एम हो गया इस केस में हमें पता है कि आंसर हैश रिटर्न करना है राइट तो हम यहाँ पे एक डाल देंगे इफ क्यू इज एम राइट इफ क्यू इज एम तो उस केस में हमारा आंसर क्या हो जाएगा हैश ठीक है चलो अभी डायरेक्ट देखो मैं फिर आपको डायरेक्ट कोड और सुडो कोड दिखाऊंगा फिर आईक्वेस्टर टू क्या होगा यहाँ पे अगेन हमारे पास दो चीज होंगी ए बी सी का एक एरे और ये हमारा क्यू होगा राइट ठीक है ए बी सी में अब हम किस कैरेक्टर की बात कर रहे हैं बी की बात कर रहे हैं ए की फ्रीक्वेंसी टू थी बी की फ्रीक्वेंसी वन थी जिस कैरेक्टर को प्रोसेस किया उसी कैरेक्टर को क्यू में पुश भी करना है हमें अब क्यू में जो टॉप एलिमेंट है जो कि बी है यहाँ पे उसका फ्रीक्वेंसी चेक करो वन बहुत अच्छी बात है यार यही है हमारा फर्स्ट नॉन कैरेक्टर और बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा राइट ठीक है अगेन एक लास्ट इटरेशन देख लेते हैं पे कौन सा कैरेक्टर है सी ए बी सी तो यहां पर ए की फ्रिक्वेंसी टू बीक्वेंसी वन सी कैरेक्टर एक आया तो उसकी जीरो थी तो अब वन हो गई एंड देन यू नीड टू पुश द द कैरेक्टर्स पुश करंट कैरेक्टर तो बी पुश बी तो पहले से था सी अभी पुश कर लेंगे वापस से पीक पे देखेंगे क्योंकि पीक पे कौन सा एलिमेंट है बी राइट right? बी की फ्रीक्वेंसी हम इससे चेक करेंगे ऑफ वन में इंडेक्स इंडेक्सिंग यूज कर लेंगे तो मेरे को मिलेगा फ्रीक्वेंसी वन है ठीक है यार तो अगर आप देख पाओ तो हम यहाँ पे कौन से स्ट्रिंग की बात कर रहे थे ए बी एन सी और यही आंसर होना भी चाहिए था कि बी इज फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर राइट तो यहाँ पे हम बी को चेक किया राइट ये हमारा आंसर हो गया बट ठीक है अब थोड़ा सा इसमें एक स्लाइड सा वेरिएशन करते हैं ठीक है लेट्स से यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट कैरेक्टर था वो बी था लेट अस लेरस ठीक है तो हम एक और इटरेशन चलाएंगे राइट right? मैं थोड़ा बोर्ड को उस तरफ करता हूँ ये मैं बस आपको दूसरा केस एक अलग सा दूसरा केस समझाने के लिए बस ये कर रहा हूँ

राइट right? मैंने देखो क्यू पीक पे कौन सा एलिमेंट पता हुआ उसका फ्रीक्वेंसी चेक को तो ये हमारा फर्स्ट नॉन तो नहीं हो सकता राइट right? तो हम इसे बाहर निकाल देंगे C. C yes, यहाँ पे आंसर जाएगा मैं सी तो अगर अगर हमारा स्ट्रिंग होता है ए ए बी सी बी तो हमारा आंसर होता है इसके लिए ए हैश बी बी सी ठीक है आप इसको वेरीफाई कर लेना अपने कस्टम इनपुट आउटपुट से ठीक है तो लो मैंने ये वेरीफाई कर भी भी दिया आपके लिए A, B, C, B, C, B के लिए के ए हैज सी यही हमारे साथ आ भी रहा था राइट तो ग्रेट अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पॉज करो इस जो भी मैंने अभी दिखाया सेम सूडो कोड को सेम ड्राई रन को आप खुद से कोड करो एंड बिफोर कोडिंग इट बिफोर कोडिंग इट अगर आपको लाइक लग रहा है कि नहीं भैया कैसे काम कर अभी भी थोड़ी सी इंट्यूशन नहीं मिल रही है राइट तो आप क्या करो कि आप वीडियो को बैक करो एक बार फिर से ड्राइर को देखो और आप खुद से एक एग्जाम्पल टू मैं आपको देता हूँ उसके लिए आप ये इसके लिए ड्राइन करो जेड जेड एक्स वाई वाई एक्स इसके लिए आप इन करो आंसर निकल जाए बहुत अच्छी बात है उसके बाद आप खुद से कोड करना मैंने पे आप इनपुट आउटपुट दोनों लिख दिया है ये रहा इनपुट जिससे जो जिनको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है जिनको और जिनको समझ में आ गया वो भी इसके लिए ड्राइन करो जिनको नहीं समझ में आया वीडियो को बैक करो एक बार इसके लिए ड्राइन करो डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा कोड आप खुद से लिखोगे ठीक है ठीक है अब चलते हैं कोडिंग पे ठीक है दोस्तों तो ये रहा कोड एक तुरंत एक वॉक थ्रू देख लेते हैं हमने एक स्ट्रिंग बिल्डर बनाया क्यों बनाया क्योंकि भाई क्योंकि यहाँ पे दे रखा था स्ट्रिंग रिटर्न करना राइट एक, एक एम्प्टी स्ट्रिंग भी कर सकते थे बट उसमें क्या होती है कि अगर आप किसी स्ट्रिंग किसी के एक्टर को ऐड करते हो एम्प्टी स्ट्रिंग में तो ओ ऑफ एंड टाइम चल जाता है राइट ओ ऑफ स्ट्रिंग लेंथ स्ट्रिंग बिल्डर में ऐसा नहीं है कभी कोई चीज अपेंड करोगे तो वो वन में हो जाता है इसलिए कभी कभी आपने क्वेश्चन में देखा होगा एम्प्टी स्ट्रिंग यूज करने आपको टीएल मिल जाता है राइट तो उस चीज से बचने के लिए हम स्ट्रिंग बिल्डर यूज किया करो ठीक है एन हमने डिफाइन कर लिया ए डॉट लेंथ के लिए उसके बाद हमने कैरे बनाया ट्वेंटी सिक्स सा क्यू क्योंकि फ्रीक्वेंसी स्टोर करना था ठीक है क्यू देन फॉर ईच एंड एवरी कैरेक्टर वी आर रेटिंग फॉर लूप दो दो काम सबके लिए करना था जो था जो क्या था कि एक बार फ्रीक्वेंसी प्लस करो उसके बाद उसी समय उसको में पुश करो ना देखिए लुप देखो वाइल लुप क्यों लगाते हैं हमें पता नहीं है कि कितनी बार चलना है राइट फॉरलुप क्या था जीरो सेवेंट तक जाना था कन्फर्म जब मैं पता नहीं है कितनी बार चलना है बस एक कंडीशन एक पति है कि इसके पता है कि इसके बाद रुकना चाहिए तो इस्तेमाल करते हैं ठीक है यहाँ पे वाइलूप लिख दिया क्यू इज नॉट एम्प्टी तब तक चलता जाएगा और क्या चेक करना है हमें कि जो भी फ्रंट एलिमेंट है उसका कैरेक्ट उसका फ्रीक्वेंसी वन होना चाहिए जैसे उसका फ्रीक्वेंसी वन है उसको आंसर में ऐड करो वहां से ब्रेक करो खत्म करनी फॉर दैट पर्टिकुलर इटरेशन अगर ऐसा नहीं है देन विल गो टू द पार्ट एंड विल कीप ऑन आउट द द एलिमेंट्स फ्रॉम क्यू फ्रॉम द फ्रंट ठीक है

नॉन रिपीटिंग फर्स्ट निकालना है राइट तो लोएस नॉन रिपीटिंग फर्स्ट का क्या मतलब है ए ए बी सी बी है राइट तो मेरे को बस इससे मतलब है लोग जो पहले मिल गया वो खत्म उसके बाद कहानी मेरे को मतलब नहीं राइट तो मेरे को इंडेक्सेस भी स्टोर करने पड़ेंगे राइट जिसकी जिसकी चीज की फ्रीक्वेंसी आपने स्टोर की है उसकी इंडेक्सेस स्टोर कर लो उसमें एक लूप चला लेंगे कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू वन किसका है और मिनिमम पहले कौन मिल रहा है वही हमारा आंसर होगा राइट तो ठीक है एक बार हम वो कर लेते हैं तो हम उसके लिए क्या करेंगे कि हम एक टू डी एरे बनाएंगे राइट जिसका हम नाम लेट से फ्रीक्वेंसी रखते हैं फ्रीक्वेंसी

जीरो वन टू थ्री नहीं मैं कौन सी स्ट्रिंग की बात कर रहा था ए ए बी एन सी राइट तो 0, 1, 2, 3. मैं यहां पर हूं राइट तो मैं आप इसके इंडेक्स प्रेस्ट कर दूंगा दैट इज ठीक है अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे कि मेरे पास एक लेट्स से एक मिनिमम वेरिएबल होगा जो प्लस इंफिटरी को पॉइंट करना होगा मेरे को चाहिए क्या यार मेरे को चाहिए क्या कि मेरे को वो इंडेक्स चाहिए वो पहला इंडेक्स चाहिए जिसकी फ्रीक्वेंसी वन हो बस यही चाहिए राइट right? तो वो पहला इंडेक्स है जिसकी फ्रीक्वेंसी वन हो देखो ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी वन हो जैसे यार देखो बी एनसीड करते थे थे वो भी हो जाता तो कि 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 है मिनिमम इंडेक्स किसके पास है बस आई हो ये बात आप समझ पे पाएंगे यही हमारा नीड है यार वीडियो को एक बार बैक करो फिर से सुनो जो हमारा नीड है अपने कॉपी में लिखो और फिर देखो तुरंत में आएगा तो मैं यहाँ पे एक लूप चलाऊंगा फॉर आई टू जीरो सिक्स ठीक है आई प्लस प्लस

हम्म ये करेंगे हम लोग हमेशा चेक करते जाएंगे फ्रीक्वेंसी हमारे मिनिमम से कम हो उसको मिनिमम में स्टोर कर लो ठीक तो है शुरू करेंगे तो कर कर एंड हो जाएगी राइट क्यों हमारा किसको पॉइंट कर जाएगा इसकी इंडेक्स को, जीरो को राइट लास्ट में अब ये जीरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है जीरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है राइट क्यू ये जीरो जो है वो इस पर्टिकुलर वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है राइट रो वैल्यूज को यूज करके हम ए से लेकर जेड तक की वैल्यू निकाल सकते हैं अगर क्यू क्वेश्चन जीरो प्लस एरो प्लस ए कर दूं और इसको कैर कैर में टाइप कास्ट कर दूं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी कैरेक्टर एम करने वाले है। तो यहाँ पे आंसर हो गया हमारा ए अब चलो आई क्वेश्चन टू पे चलते हैं आई क्वेश्चन टू पे चलोगे तो क्या हो जाएगा आ, ये अपडेट हो जाएगा एस टू और इसकी इंडेक्स अपडेट हो जाएगी एस वन राइट अगेन यहाँ पे क्या होगा कि मिनिमम जो है वो पे पॉइंट करेगा राइट एंड रिजल्टेंट कैरेक्टर जो है वो माइनस वन पे होगा ये क्यू एक्चुअली एक रिजल्टेंट कैरेक्टर है राइट right? और लेट्स मैं इसी को चेंज करके क्यू कर देता हूं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है तो हम यहाँ पे देखेंगे अब यहाँ पे हम देखेंगे इस टेबल में यहाँ पे किसी भी आ, आ, रो में फ्रीक्वेंसी जो कॉलम है किसी का भी वन नहीं है राइट तो क्यू तो मिनिमम हमेशा इन्फिनिटी को ही पॉइंट करता रहेगा क्यू माइनस वन को तो जब भी मैं कहूंगा कि अगर इफ क्यू इज इक्वलस वन तो मैं बोल दूंगा कि आंसर पॉसिबल नहीं है भाई आंसर में तुम हैश कर लो चलो आ जाते हैं I पे I पे कैरेक्टर है तो एक तो जीरो हो गया ये ये वन हो गया राइट तो सेकंड एंट्री में इसकी फ्रीक्वेंसी प्लस प्लस कर दो वन और इसकी इंडेक्स क्या है टू ठीक है मिनिमम अगेन अब क्या होगा इन्फिटी पे पॉइंट करेगा अगेन से हम निकालेंगे मिनिमम हमेशा निकालना पड़ेगा राइट राइट क्यूक्वस टू माइनस वन अब मिनिमम चेक करेगा देखो फर्स्ट रो में तो फ्रीक्वेंसी टू है इसको छोड़ दो सेकंड रो में ऑफ फ्रिक्वेंसी वन है ग्रेट फ्रीक्वेंसी वन है तो मिनिमम को अब अपडेट uh, कर दो इसके कॉलम uh, इसके इंडेक्स है राइट right? तो टू हो गया और टू एक्चुअली क्या है ये देखो बी का इंडेक्स है राइट right? और क्यू की वैल्यू अपडेट कर दो इसके पर्टिकुलर रो से वन से क्योंकि हम इसका यूज करके हम एक्चुअली में उसका कैरेक्टर डिफाइन कर सकते हैं वन प्लस ए करके बोल देंगे कि बी होगा आंसर और वही हमारा आंसर है बी यहाँ पे ठीक है आई इक्वल्स टू ये टू था राइट आई इक्वल्स टू थ्री के लिए लास्ट देख लेते हैं थ्री पे क्या है सी राइट right? तो अगेन सी के लिए थर्ड कॉलम पे आएंगे उसकी फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पे वन कर देंगे सी का कैरेक्टर सी का इंडेक्स क्या है थ्री उसको स्टोर कर लो यहाँ पे ठीक है ठीक है ठीक ठीक है 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 अगेन I -3 के लिए मिनिमम जो इनफिनिटी को पॉइंट करेगा जो है वो माइनस वन पॉइंट करेगा अब देखेगा येड रो में फ्रीक्वेंसी वन है इन्फिनिटी right? तो, और, और तो इससे छोटा इंडेक्स यहाँ पे अवेलेबल है टू तो मिनिमम को अपडेट कर दो सबसे पहले टू से ठीक है टू को अपडेट कर दो उसके पर्टिकुलर रो वैल्यू दैट इज वन से अब देखो एक बार और कंपैरिजन होगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी थर्ड रो में भी वन है बट वहां पे जो इंडेक्स है वो थ्री है

एंड A, A, B, B, आपका काम यहाँ पर क्या है में आ गया होगा। समझ में आ गया तो वेल एंड गुड एक दूसरे टेस्ट के लिए करो। आप सेम वही कर सकते हो जो दूसरा टेस्ट मैंने दिया था जेड जेड एक्स वाई वाई एक्स इसका आंसर मैंने दे रखा था पीछे इसके लिए ड्राइविंग करो आपको वो एकदम फिर क्लियर हो जाएगा आप एक बार खुद से कर लोगे तो अब इसके कोड पर चलते हैं वैसे मेथड टू का मैंने आपको कोड नहीं दिखाया तो ये रहा वो सी प्रोसेस कोड अगेन इसमें वॉक थ्रू देने की जरूरत नहीं है सेम वॉक थ्रू जो मैंने जवा कोड के लिए दिया था वही होगा यहाँ पर भी ग्रेट तो सारे टेस्ट केसेस पास कर गए हैं चलो वापस से चलते हैं मेथड टू के मेथड थ्री के जवा कोड को देखने हैं तो ये रहा कोड यार एक तुरंत वॉक थ्रू देख लेते हैं जो मैंने बताया था फ्रीक्वेंसी आ रहे बनाएंगे टू डी होगा दो कॉलम क्या स्टोर करेगा एक फ्रीक्वेंसी और एक इंडेक्स फॉर लुक चाहिए हमें हमेशा सॉरी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करो एंड स्टोर द करेंट इंडेक्स फॉर दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर देन वी हैव दिस रिजल्टन कैरेक्टर जो मैंने क्यू की तरफ जो मैंने क्यू को रेफर करके दिखाया था ड्राइवर में देन वी नीड टू अनदर फॉर लुक टू ट्रेक द मिनिमम इंडेक्स जिसकी फ्रीक्वेंसी वन हो राइट right? यही रिक्वायर है देखो एज as आने लिख रखा है हर एक लाइन पे कमेंट अवेलेबल है आपको वहां से भी समझ में बहुत हेल्प होगा सो so, ये सेम कोड है जो मैंने आपको समझाया बस मिनिमम ट्रैक करने का कोड है यार, ऐसा कुछ इसमें रॉकेट फैंस लगा हुआ नहीं है जैसे ही कोई मिनिमम आ जाए उस पर्टिकुलर मिनिमम को जो करेंट वैल्यू आया है उससे अपडेट कर दो एंड देन स्टोर द पर्टिकुलर इंडेक्स एज वेल

एज सी कंपेल सक्सेसफुल हो गया इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर यहाँ पे फॉरलूब देख रहे हो हम सारे इमिट्रेट कर रहेन फॉर इच एंड एवरी इंडेक्स वी आर कैकुलेटिंग द मिनम इंडेक्स फॉर दैट पर्टिकुलर स्विंग राइट तो उसके लिए जो टू डी आ रहे हैं ट्वेंटी है तो ये रहा है इसका सी प्रोसेस कोड वॉक थ्रू अगेन सेम है कुछ भी चेंजेस नहीं है उसमें तो अब मैं बस यहाँ पर स्क्रॉल कर देता हूं आप देख लेना एंड देन सक्सेस हो गया है सबमिट बटन एंड ये तो सबमिशन हो गया है यहाँ पे एक बार तुरंत से एक समरी डिसाइड कर लेते हमने कौन कौन से अप्रोचेस देखे तो पहला अप्रोच क्या था यार जिसमें ओ ऑफ एन स्क्वायर लग रहा था राइट ओ ऑफ एन स्क्वायर था एंड स्पेस था मेथड टू हमने देखा क्या थी कहा गई एन मेथड टू टाइमिस्टी उसकी ओ ऑफ एन एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑल्सो राइट एंड ऑफ एन राइट मेथड थ्री में क्या था हमारी टाइमिस्ट्री हो गई स्पेसिटी सिक्स इज इट we have covered the three approaches and let us end this video we will meet again tomorrow's gfg streak till then keep learning keep growing bye bye and take care guys